यार तुम टूर्नामेंट में जाते हो तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, अच्छी चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करते। तो जैसे कि भाई कल था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल मैच, लेकिन गाइस कल अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस मैच को हार चुका है, जिसके बाद भाई हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के काफी सारे क्रिकेटर जैसे कि रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो बेसिकली अभी के टाइम पे रोहित शर्मा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसके अंदर वो बात कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो लोग भाई पहले तो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब भाई टीम इंडिया इस मैच को हार चुका है वही लोग भाई टीम इंडिया को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे। ऑब्वियसली मुझे पता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहां पे ऐसा लगा कि चलो यार अभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हमारे 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी टीम ये अच्छा कर रही है, बट एट द सेम टाइम ये गलतियां भी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम टूर्नामेंट में जाते हो तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, अच्छी चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करता है, और ये नेगेटिव चीज में ऐसे मुझे हाईलाइट नहीं करना है, नेगेटिव गलतियां जो गलतियां इम्प्रूवमेंट हम आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि ये गलती हमारे से हो रही थी। ऐसा टाइम था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और सबको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब प्लेयर्स लोग खेलते हैं हम लोगों को भी पता होता है कि सिचुएशन और प्रेशर कितना होता है।